राजधानी पटना में बुधवार सुबह जदयू के एमएलसी गुलाम रसूल बलियामी के आवास का घेराव ग्रेस पास उर्दू टीटी अभ्यर्थियों के द्वारा किया गया। साथ ही उर्दू टीटी ग्रेस पास उम्मीदवारों द्वारा जोरदार प्रदर्शन भी किया गया। उर्दू टीटी ग्रेस पास उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी करो की मांग को लेकर उर्दू टीटी उम्मीदवारों का यह प्रदर्शन बुधवार सुबह काफ़ी घंटों चला। संघ के प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती हसन रजा सहित सैकड़ों उम्मीदवारों ने मुख्यमंत्री और प्रधान सचिव आरके महाजन से वार्ता करने की मांग की। उन्होंने कहा कि 5 महीने पहले शिक्षा विभाग ने मानव संसाधन मंत्रालय को उर्दू टीटी ग्रेस पास के रिजल्ट में कट मार्क्स कम करके रिजल्ट जारी करने की मांग की थी, जिसका जवाब अभी तक नहीं आया है। 5 सालों से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है, जिससे उर्दू टीटी उम्मीदवारों में आक्रोश है। कई बार लाठी डंडा भी खाया। उन्होंने कहा, जब तक विभाग से लिखित जवाब नहीं मिलेगा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवारों में काफ़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थी। जदयू एमएलसी आवास के घेराव के वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे टीटी उर्दू ग्रेस पास उम्मीदवारों के साथ सुरक्षा बलों की जमकर नोकझोंक हुई। पुलिस बलों के द्वारा उन्हें जबरन हटाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो लोग अपनी मांगों पर डटे रहें और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए नारा लगाते रहें और जदयू एमएलसी को बाहर बुलाने की मांग करते रहें। आपके घर में घुस के नाराबाजी करेगा, आपके घर में घुस कर आप लोग का टीटी बहाली किया जाएगा 2013-17 वाले का पास हो गया, हम लोगों का नहीं हुआ। आखिर क्यों 5 साल से हम लोग 5 लोग आते रहे, आज जब तक हम लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा इस जमीन से कोई हमें हटा नहीं सकती है। आज हम अपनी जान दे सकते हैं लेकिन अपना इंसाफ लेंगे। क्या आप लोगों की मांगें लगातार आप लोगों को आश्वासन, हम लोगों को रिजल्ट जारी करके उसके बाद हम लोगों को कैंसिल कर दिया गया कि अब आप लोगों को बहाली नहीं किया जाएगा, आप लोग फेल हो गए, आप लोग का रिवाइज रिजल्ट नहीं बनेगा। क्यों आखिर नहीं बनेगा, जब नहीं करना था तो नहीं करते। एक तरह से देखा लोगों की 5 महीना पहले बोला गया था कि आप लोगों का इलेक्शन के बाद आप लोगों का हो जाएगा, लेकिन वो भी टाइम एक्सपायर कर गया। कितने लोग, हम लोग टोटल 12,000 हैं। क्या करेंगे आप अभी आप लोग? हम लोग यहाँ पर जब तक हम लोग को इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। नाजिश हाशमी, जो 5 महीना पहले प्रधान सचिव आरके महाजन ने निकाला था इसको देख लिया जाए। और इस लेटर में ये कहा गया है मानव संसाधन मंत्रालय को कि हमारे पास में शिक्षकों की कमी है, जिसकी वजह से हमें 5% कट मार्क्स हमको दिया जाए। त्रिपुरा सरकार को देखिए, ये भी लेटर है जो मानव संसाधन मंत्रालय ने 5% कट ऑफ मार्क्स दे दिया है। जब हम दिल्ली मानव संसाधन मंत्रालय गए थे तो जाने के बाद वहाँ के अधिकारी ने कहा कि ये सरासर गलती प्रधान सचिव की है जिसमें टाइम लग रहा है। अब हमारे रिजल्ट पे कार्रवाई 5 सालों से लेकर के अभी तक के तकरीबन 6 साल होने जा रहे हैं, कोई कार्रवाई भी नहीं हो पा रही है। हमारा सर्टिफिकेट का वैलिडिटी, उसका टाइम भी अब ख़त्म हो रहा है। 5 बार पुलिस की लाठी भी चार्ज हो चुकी है। क्या हम पूरी ज़िंदगी भर रिजल्ट जारी करने ही की मांग करते रहें? इसलिए हमने ये सोचा है कि आज माननीय MLC गुलाम रसूल बलियावी के आवास पे जाएंगे और उनसे आखिरी फरियाद करेंगे कि प्रधान सचिव जब तक के प्रेस रिलीज करके ये बोल नहीं देंगे कि हम 2 से 3 हफ्ता के अंदर कट मार्क्स जारी करके रिजल्ट जारी करेंगे, तब तक के हम इस MLC साहब के आवास से हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हम 12,000 पूरे बिहार में उर्दू टीटी उम्मीदवार हैं। हम उस वक्त तक यहाँ डटे रहेंगे जब तक के प्रधान सचिव से वार्ता न हो जाए और प्रधान सचिव ये लिखित आश्वासन ने दे दे प्रेस रिलीज करके, तब तक के हम हटेंगे नहीं। हम माननीय गुलाम रसूल बलियाली सर को हम विधान परिषद और विधानसभा हम हरगिज यहाँ से जाने नहीं देंगे। अगर वो जाएँ तो हमारे बदन पे होकर के या सारे विद्यार्थी के उम्मीदवारों के बदन पे होकर गाड़ी चलाते हुए। शासन का कहना है कि यहाँ पर